एक अकेला था जी, एक बच्चा कृष्ण नाम का अकेला बच्चा था अपने माता पिता। एक्सीडेंट हो गया जिसमें दो मौके पे एक्सकार हो गई, एक बच्चा थोड़ा घायल है और जो जिनके ऊपर आरोप है वो विड़ुती का रहने वाला है। पलवल जिला के गांव भिडुकी में उस समय अचानक हाहाकार मच गया जिस समय अपने तीन छात्र स्कूल की बुक व पेन लेने के लिए गए थे, जिनकी जानकारी मिली कि तीनों छात्र एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए, जिनमें से दो छात्रों ने दम तोड़ दिया और एक छात्र गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर का चालक इस दुखद घटना को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर दुर्घटना करने का मुकदमा दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने दोनों मृतक छात्रों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। घायल छात्र सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन है। तीन छात्र जो अपने एच रोड से अपने भिडुकी की तरफ आ रहे थे, पैदल पैदल वहाँ घूम रहे थे, ट्रैक्टर वाले ने एक्सीडेंट हो गया जिसमें दो मौके पे एक्सकार हो गई, एक बच्चा थोड़ा घायल है। उसका एक का नाम कृष्ण है जो मरने वाले का है और दूसरे का कुलदीप है जो घायल है, और तीसरा संदीप है। इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उनकी वकील और जो जिनके ऊपर आरोप है वो भिडुकी का रहने वाला है, वो भी घर से फरार है, उसको भी संभावना की शाम तक उसको गिरफ्तार। पोस्टमार्टम भी जारी है, होने वाला है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के अलवाड़ा निवासी मान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका 10 वर्षीय भतीजा कृष्ण, 12 वर्षीय कुलदीप व 15 वर्षीय संदीप भिडुकी गांव की मार्केट में अपनी पढ़ाई का सामान लेने के लिए गए हुए थे। कृष्ण चौथी कक्षा का छात्र था, कुलदीप नवी कक्षा का छात्र व संदीप आठवीं कक्षा का छात्र। तीनों छात्र जब पैदल पैदल घर के लिए आ रहे थे तभी सामने से आ रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के अज्ञात चालक ट्रैक्टर को तेज गति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि कृष्ण व कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई जबकि संदीप घायल हो गया। मृतक छात्र कृष्ण अपने परिवार का अकेला वारिस थे। बच्चे आए थे कुछ अपने खरीदारी के लिए, पढ़ाई से संबंधित कोई किताब या बोर्ड लेने के लिए, तो वो पैदल आए थे। थोड़ी दूर पड़ता है गाँव, 1.5 किलोमीटर, तो उधर से आ रहे थे बच्चे पैदल, तो सामने से ट्रैक्टर आ रहा था जिसमें ईंट थी 8-10 हज़ार के करीब, तो उसने सामने से उसमें टक्कर मार दी, तो दो बच्चे उसमें एक्सपायर हो गए, एक मतलब घायल हो गए। लड़का है एक कुलदीप सोनव जगवीर और एक कृष्ण सोनव मनोज, घायल है उसका नाम संदीप सोनव जगवीर। हाँ, वो ट्रैक्टर का फरार हो गया वहाँ से मौके से, और जो गिरफ्तार जो मतलब आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। अकेला था जी एक बच्चा, कृष्ण नाम का अकेला बच्चा था अपने माता पिता के लिए। कृष्ण की उम्र लगभग 10 साल है और कुलदीप जो एक्सपायर हुआ उसका 12 साल के करीब है, जो घायल हुआ है उसकी 11 साल के करीब उम्र है। पढ़ते थे वो HGM स्कूल होडल में जी। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।